एमआईएम और टीआरएस की गठबंधन का कोई भी यहां पे महानगर पालिका बनती है तो लूट की खुली छूट उनको होगी, जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित होगी, व्यापक अराजकता का और लूट खसोट का जो दौर उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर किया है यही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है आपसे कहने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे, हम लोग आए हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है, और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। और भाइयों बहनों, इसी दिशा में अभियान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो उत्साह है, जिस तेजी के साथ आप सबने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं सुबह से देख रहा हूं लाखों की संख्या में नौजवानों की, माताओं की, बहनों की, समाज के प्रत्येक तबके का व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और इसलिए प्राप्त हो रहा है, सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और हम लोग हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से यह संदेश एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर देने का कार्य करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम एक अभियान के साथ, और इसीलिए मैं स्वयं भी आज यहां की कमेटी से, यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी से स्वयं अनुरोध करके आया हूं कि अगर वहां पर मैं भी कुछ योगदान कर सकूं तो मैं भी विशेष रूप से आपके बीच यहां पर आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके हैदराबाद को के भाग्य को बदलने के लिए, भाग्यनगर का मतलब जो समृद्धि का प्रतीक हो, समृद्धि व्यक्ति के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके सार्वजनिक जीवन में, और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से विकास की योजनाओं को हर जन तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का अभियान, उस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से अपने समर्थन और सहयोग दें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दें, यही अपील करने के लिए आपके बीच में मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे मेरी विनती होगी, जो समर्थन और सहयोग और जो उत्साह आपने दिखाया है।